भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ व जिला आशा सहयोगिनी सभा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आशाओं ने प्रोन्नति के लिए उम्र की सीमा हटाने को लेकर की मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में बीए बीएड बीएससी बीएड बीए एलएलबी बीपीटी बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ व आशा सहयोगिनी सभा ने आज अपनी समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशा कर्मियों का कहना है कि कोविड 19 में आशा सहयोगी सर्वे के दौरान 1,000 रूपए प्रति माह दिए जाने के आदेश दिए थे, जिसके तहत मार्च महीने से जून 2020 तक 4 माह का भुगतान देने के पश्चात अब नहीं दिया जा रहा है, जबकि अभी भी कोरोना में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। इसे लगातार दिलाने के लिए शीघ्र आदेश दिए जाएं एवं एक लीजा ऐप मोबाइल के माध्यम से सर्वे करने की सूचना देने के लिए विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा ना तो मोबाइल जारी किया गया है और न ही रिचार्ज की राशि। मोबाइल और रिचार्ज की राशि दिलाने के आदेश भी प्रदान किए जाएं और अपनी अन्य मांगों को लेकर भी आशा सहयोगियों ने अपना ज्ञापन सौंपा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाँ, आगे हम फिर ये बढ़ना ही पड़ेगा, अगर से अभी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे फिर और आंदोलन होगा। भाई हमारी तो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, हम तो यही चाहते हैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से और हमारे विभाग से कि हम जो चाहते हैं हमें दिया जाए। आपका नाम? रेणु शर्मा। हम लोग ने, हम आशा सहयोगिनी है यहाँ के अजमेर के, और हम लोगों ने कोरोना पॉजिटिव जैसे चला उसमें सर्वे किया। कोरोना पॉजिटिव लोगों के हम घर पर जाते हैं और उनको देखते भी हैं, उनका अवेयरनेस करते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। उसके लिए हमें प्रतिमा ₹1,000 दिया जा रहा था जो कि अब बंद कर दिया गया है, लेकिन सर्वे अभी चालू है और हम जाते हैं पॉजिटिव लोगों के लिए तो बंद कर दिया गया। दूसरा ये है कि ना आशाओं के लिए जो भी NM का पोस्ट, हम चाहते हैं कि पदोन्नति के रूप में उनको NM की पोस्ट पर लिया जाए, तब कि उन्होंने सरकार ने उम्र एक तय कर दी गई है 21 से 34 साल, जबकि आशाएं पुरानी आशाएं जो है वो 45-50 के अकॉर्डिंग हो चुकी। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी आशाएं हैं अजमेर की है बाहर की, तो उम्र की सीमा हटा दी जाए और मानदेय हमें दिया जाता है 2700 जो मानदेय दिया जाता है प्रतिमा, उसमें आज का खर्चा नहीं चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि आशा सहयोगी जितनी भी हो, बाजार की दर कीमत है जो उनको देखते हुए, हम चाहते हैं कि जितनी भी आशा है उनको परमानेंट किया जाए और 10,000 का कम से कम मानदेय क्या परमानेंट करके मानदेय घोषित किया जाए। और एक लीजा ऐप चलाया गया है जिसमें कि सर्वे किया जाता है उस लीजा ऐप में, और उसके लिए मोबाइल दिया जाए प्लस उसको रिचार्ज के लिए हमें राशि दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम लाजवंती है, आशा सहयोगिनी लाजवंती, पहाड़गंज डिस्पेंसरी।